जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भाव सर। ये जो साड़ियाँ हैं इनमें सिर्फ पानी स्प्रे करना पड़ेगा, और ये जो दो साड़ियाँ हैं इनमें हमें स्टार्च स्प्रे करना है। तो और ये केमिकल है जिसकी मुझे वीडियो बनानी है, बट कोई स्टेन अगर हम निकालते हैं, कोई स्टेन रिमूव करते हैं, तो हमारे पास आफ्टर बिफोर इमेजेस रहती है कि स्टेन निकालने के बाद में कैसा दिख रहा है कपड़ा, स्टेन जब होता है तब कैसे होता है। बट ये मैं आपको सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि कितना अच्छा इसमें से परफ्यूम आ रहा है। ये वीडियोस में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और इसको यूज़ कैसे करना है ना, ये क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम है फैब्रिक के लिए। हम इसमें स्टार्च के साथ में यूज़, हम जैसे चाहे वैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं, खंगाल में स्प्रे जब हम साड़ी रोल प्रेस में स्प्रे करेंगे तब यूज़ कर सकते हैं, स्टार्च में जब भी हम स्टार्च करते हैं उसमें हम डाल सकते हैं। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि परफ्यूम के लिए क्या करें, तो ये रही हमारी कुछ साड़ियाँ, और ये रहा हमारा पंप। तो इसमें मैंने पानी तो डाल दिया है फिलहाल, और मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, एक ड्रॉप भी डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा, अभी हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं ना, तो इतना बहुत है। और ये पानी बच भी जाएगा तो भी हम रीयूज इसे कर सकते हैं। इसके बाद में मैं स्टार्च में भी डालने वाला हूँ, तो अभी मैं पहले तो स्प्रे कर लेता हूँ। और हाँ, यहाँ पे हमने प्लास्टिक डाल दिया है, अब हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं स्टार्च की साड़ियों को। तो अभी मैंने साड़ियां स्प्रे कर ली है, और इसमें जो हमारा परफ्यूम वाला जो पानी बचा है ना, वो इसमें मैं निकाल लेता हूं। और ये पूरा रूम है ना हमारा, पूरा रूम महक रहा है परफ्यूम की वजह से। और ये है हमारा स्टार्च, यूनिवैक्स कंपनी का है, और इसे मैंने 2-3 दिन पहले यूज किया था, ये बच गया था, तो इसको हम वापस से यूज करने जा रहे हैं अभी। और साड़ियाँ एक कॉटन की है, एक मतलब ये भी वेस्ट नहीं होता है, और इसमें किसी भी तरह का गंदा स्मेल नहीं है, और फिर भी हम इसमें अभी डालेंगे परफ्यूम। तो इसमें भी हम कुछ ड्रॉप डालेंगे, दो साड़ियों के लिए इतना केमिकल तो इनफ है, और इतना परफ्यूम भी इनफ है। और ये यूज करने से है ना हमारा पूरा रूम महकने लगा है। धीमी धीमी स्ट्रॉबेरी जैसी इसकी स्मेल आ रही है।
साड़ियां रोल प्रेस का काम हो गया है और ये स्टिफनर मैंने यूज किया था इन दो साड़ियों के लिए, और वो भी मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था स्टिफनर, जो केमिकल सॉल्यूशन मेरा मिक्सर पहले से पड़ा था, तो उससे हम रीयूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फ्रेग्रेंस डाला है और बाकी पानी में ये मिलाया था मैंने, तो काफी अच्छा धीमी धीमी खुशबू आ रही है। साड़ियां रोल प्रेस हुई, इतना सारा टेम्परेचर हमने साड़ियों को दिया, फिर भी थोड़ी बहुत स्मेल उसमें आ रही है। तो बस यही है, अगर आपको लेना होगा तो डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। और जब मैंने नीचे ये शॉप पर यूज कर रहा था ना, तो पूरा मेरा शॉप ही महक रहा था। तो ये आप अगर चाहोगे तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ऑनलाइन बाय लिंक है, इसकी भी ऑनलाइन बाय लिंक है, तो जाके चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और इसकी भी काफ़ी सारी डेमो वीडियोज मैंने पहले ही बना के रखी है। तो बस यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। और साड़ी रोल प्रेस मशीन से रिलेटेड इंक्वायरी करनी होगी तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।